स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा टेक वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर चीन में गूगल बैन क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाइना में गूगल ही नहीं, गूगल की सारी सर्विसेज बैन है, जैसे गूगल प्ले स्टोर, गूगल क्रोम, यूट्यूब, जीमेल, मेल, ये सब दोस्तों सारी चाइना में बैन है। यहां तक कि दोस्तों जो पॉपुलर सोशल साइट नेटवर्क है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मैसेंजर, ये भी दोस्तों सारे चाइना में बैन किए गए हैं। और दोस्तों चीन की कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन पर चीन में बैन नहीं है, वहाँ यह चलती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स, इनका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके अलावा दोस्तों एप्पल के आईफोन भी वहाँ बिकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि ज़्यादातर कंपनियां चाइना में ही बैन हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाइना में इनके बैन होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से पहला तो यह है कि चीन में हर चीज़ का अल्टरनेटिव मौजूद है, तो वहाँ पर कोई भी कंपनी चलेगी कैसे। कुछ अल्टरनेटिव ऐप्स में बता रहा हूँ, जैसे व्हाट्सएप के बदले दोस्तों वहाँ वीचैट चलता है, जी हाँ दोस्तों व्हाट्सएप के बदले वीचैट, यूट्यूब के बदले दोस्तों यूकू वहाँ चलता है, अमेजोन के बदले दोस्तों अलीबाबा टैबो चलता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सब पे अकाउंट बनाने के लिए लोगों की अपनी पर्सनल आईडी देनी पड़ती है, जैसे हमारे इंडिया में सभी के पास आधार कार्ड है, उसी तरह वहाँ पे किसी को भी अकाउंट बनाने के लिए अपनी पर्सनल आईडी सबमिट करनी पड़ती है। और दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट सारे लोगों को कंट्रोल करना चाहती है, अगर कोई वहाँ की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो दोस्तों उसकी आवाज़ को वहीं दबाया जा सके। इसलिए ही चाइना में गवर्नमेंट के कंट्रोल सारे डाटा पर हैं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों चीनी सरकार वहाँ की सारी चाइनीज साइट्स को भी फुल कंट्रोल करती है। चीनी सरकार इस बात पर भी दोस्तों बहुत ध्यान देती है कि वह लोग इंटरनेट पर सिर्फ वह चीज़ देखें जो उन्हें सरकार दिखाना चाहती है। जी जहाँ दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इंटरनेट पे कुछ भी देखते हैं, एक्स वाई जेड जो हमें नहीं देखना चाहिए वो भी चीज़ें दोस्तों हम इंटरनेट पे देखते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों हम सभी को पता है कि गूगल जो है वह ओपन तरीके से काम करता है, जहाँ पब्लिक साइली अवेलेबल, वहाँ आप गूगल को आसानी से देख सकते हैं और एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हो दोस्तों। पर गूगल यूएस की कंपनी है, इसलिए चीन को डर लगा रहता है कि गूगल तो यूएस की कंपनी है, ये दोस्तों चीन का डाटा का इस्तेमाल अमेरिका के साथ गलत तरीके से करेगा और अमेरिका इस डाटा का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करेगा। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए दोस्तों चीन ने गूगल को चाइना में बैन कर रखा हुआ है। चाइना में दोस्तों गूगल, फेसबुक आदि बंद करने का दूसरा कारण यह भी है कि वहाँ जब भी कोई आईटी कंपनी है जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप, अमेजोन, यूबर आदि चीन में जाती हैं तो दोस्तों शुरू से ही उनका कोई कंपटीशन नहीं होता, पर कुछ दिन बाद कोई नई कंपनी उनका डुप्लीकेट ऐप बना लेती है और चाइनीज गवर्नमेंट भी उसमें दोस्तों बहुत सपोर्ट करती है। बाद में दोस्तों कंपनी विदेशी होती है और साथ ही इनके लिए कुछ ऐसे रूल तैयार कर देते हैं कि उस कंपनी को वहाँ बैकआउट करना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि गूगल चाइना में बैन क्यों है दोस्तों। तो यही सब सारे दोस्तों रीजन है जिसके कारण चाइना ने गूगल बैन करके रखा है। गूगल चाइना चाहता है कि उसकी कोई भी खुफिया एजेंसी, कोई भी उसका डाटा, कोई भी दोस्तों एक्स वाई जेड किसी प्रकार का कोई भी डाटा लीक ना हो, अदर कंपनी को ना पड़े। इसके वजह से दोस्तों बाहर की सारी गूगल क्रोम ही नहीं, बाहर की जो भी सारी एप्लीकेशन है वो चाइना में नहीं चलती हैं दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों हमको भी सपोर्ट करना चाहिए, जो भी हमारे मोबाइल में हम चाइना ऐप यूज कर रहे हैं उसको दोस्तों तुरंत अनइंस्टॉल कर लेना चाहिए और दोस्तों हमें इंडियन गवर्नमेंट और भारत सरकार का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स।